మూడు రోజుల పాటు జరిగిన ఏఐటియూసీ జాతీయ కౌన్సిలింగ్ సమావేశాలు శనివారం కాచిగూడ మహారాజ క్లినిక్ ఇన్ హోటల్ ప్రాంగణంలో గురుదాస్ గుప్తా నగర్ ప్రాంగణంలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఏఐటియూసీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అమర్జీత్ కౌర్ ఏఐటియూసీ జెండాను ఎగరవేసి సమావేశాలను ఆరంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఆర్ఎస్ఎస్ కనుసైగల్లో బీజేపీ భారతదేశాన్ని అస్థిరం చేస్తుందని మోడీ ప్రభుత్వంపై ధ్వజమెత్తారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి భారతదేశాన్ని కరువు దేశాన్ని చేయడానికి కుట్ర పన్నుతోందని దుయ్యబట్టారు. RSS guru Sarsangh Chanak, he had said very clearly, make 95% Indians hungry and in poverty situation, then only you can rule this nation properly. Agar ye unka dream hai, 95% Hindustani bahut garibi mein hone chahiye, tabhi acche se shasan chal sakta hai. तो ये ड्रीम किसी फासिस्ट और किसी नाजिस्ट का ही हो सकता है. और वही फासिस्ट और नाजिस्ट सोच रखने वाली ये गवर्नमेंट हमारे देश को हंगर की तरफ, भूख की तरफ धकेल रही है. ये हमें भूलना नहीं चाहिए. और ये जो बजट है वो टोटल इसका इंडिकेशन है. उसके ऊपर भी सेपरेटली बात होगी रिपोर्ट के अंदर. और अगर हाउस चाहेगा तो उसका सेपरेट रेजोल्यूशन भी हो सकता है. जो मैंने रेजोल्यूशंस लिस्ट किए वो सेक्रेटेरिएट ने प्रपोज किए हैं. और स्ट्राइक के ऊपर अभी मोहन शर्मा जी कह रहे थे जब वो एजेंडा ले उसका आप एक रेजोल्यूशन लीजिए. तो हम बजट के ऊपर भी एक सेपरेट रेजोल्यूशन प्लान कर सकते हैं. वो रेजोल्यूशन भी हमें सेपरेटली कैंपेन पर्पज के लिए अडॉप्ट यहाँ पर करना चाहिए. तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी. लेकिन अभी मैं फिलहाल कुछ मिनट में यही बताना चाहती हूँ कि उस बजट में मनरेगा को 98,000 करोड़ से 73,000 करोड़ पे लाया गया है. लास्ट टाइम द बजट वाज 98,000 करोड़. दिस टाइम द बजट इज 73,000 करोड़. सो एमजी नरेगा बजट इज रिड्यूस्ड ओनली 209 रुपीज पर डे इज द वेज. And as much money is amassed by the corporate houses, if very little cesses or tax is put on them, all these manrega workers can have all 365 days the work, which presently it is for 100 days. And out of 100 days also, the surveys tell not more than 50 days these manrega workers in 1 year they are getting work. So 50 days, 209 rupees for the whole year. How much it comes? For the whole year, it comes to only 10,000 meager amount. Can people live on that? Cannot. And and this ruthless government has reduced the budget. We should understand that the kind of government we are facing. And not only that, the budget on scheme workers is reduced, budget on health is reduced, budget on education is reduced. This I am saying, little bit increment in rupees and you look at the price rise situation two times. Actually, it is not increase, it is decrease. That is why we are claiming, in ke upar budget kamti kiya gaya hai.
तो वन आफ्टर अनदर व्हेन यू लुक एट द आइटम्स इट इज रिग्रेसिव बजट, ये पीछे को ले जाने वाला बजट है और ये आरएसएस बीजेपी का ड्रीम बजट है। शेमलेसली बजट को बजट नहीं रहने दिया, बजट में एक साल का खाता बताते हैं, लास्ट ईयर हमने ये एलोकेट किया, हम इतना खर्चा कर पाए, अगले साल हमारा ये टारगेट है इस मद में। शी डिड नॉट टॉक ऑफ वन ईयर एट ऑल, उसने नहीं बताया पिछला जो बजट था उसका उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं बताया, पांच साल का भी नहीं, वन ईयर का भी नहीं। कहा ये क्या है, अमृत महोत्सव चल रहा है, 25 साल का बजट है। इन 2015 आल्सो इसको बोला 25 साल का बजट है और 2022 में फिर बोल रहे हैं 25 साल का बजट है, वन ईयर का कोई लेखा जोखा नहीं है। सो दिस गवर्नमेंट सिंस 1914 आफ्टर टेकिंग इन दे पावर हैज एक्चुअली रिड्यूस्ड दिस बजट इनटू नॉन एंटिटी। कुर्सी में बैठने के बाद बजट को इररेलेवेंट कर दिया गया है। पहले तो रेलवे बजट आप सब जानते हैं, रेलवे बजट पेश होता था, उसके दो दिन के बाद मेन बजट पेश होता था, तो रेल बजट खत्म, वो इसी में अमलगमेट। एक सेपरेट बजट होता था, बहुत बहस होती थी, इस बार दो लाइन बोला गया, ओनली टू लाइन्स इन रेलवे बजट, नथिंग एल्स। 400 वंदे भारत, फिर बाद में बोला 200 एक साल में और 100 जो है कार्गो, बस और कुछ नहीं रेलवे के बारे में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स है उस सबको बेच डालने के लिए लाया गया। अभी इस बजट में उसको कहा गया है कि हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन स्लोगन मॉन्गरिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक नया स्लोगन लाए, व्हाट डू दे से, गति शक्ति, 7 पॉइंट गति शक्ति। अब डू यू अंडरस्टैंड गति शक्ति, गति मींस स्पीड और शक्ति, दैट मींस रेलवे, रोड्स, अवर पोर्ट्स, सीवेज, अवर एयरवेज, ऑल दीज 7 पॉइंट्स दे आर मेंशनिंग इन द नेम ऑफ गति शक्ति। एंड इफ यू हर्ड हर स्पीच, निर्मला सीतारमन, शी मेंशनड इट सेवरल टाइम्स, प्राइम मिनिस्टर्स गति शक्ति 7 पॉइंट्स। तो उसी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में, जो पाइपलाइन के जरिए से हमारे नेशनल एसेट्स को बेच डालना है, गटर में डालना पड़ता है, दैट मींस व्हाट इज मेंशन्ड विल बी ऑन फास्ट ट्रैक। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस गवर्नमेंट इज आउट एंड आउट टू सेल द नेशन। सो नेचुरली आवर स्ट्राइक कॉल इज वन ऑफ द एजेंडा, but we will adopt a resolution during that agenda that this strike should be, as we have mentioned, save the people, save the nation. And when we say save the people, save the nation, we also mean to say save the sovereignty, save the freedom, save our national assets. So under this slogan, we will have to move forward. This government wants Indians to be pushed into malnutrition and hunger. We are already 102 in a total statistics of 117 countries. But the government has reduced the budget on the MG Narega. It has reduced the subsidy amount on gas. And it has followed the policies ultimately will lead towards hunger because there is no scope of job generation as much government.
चालू होने से पहले फ्लैग हाइसिंग करने का ऐसी अपना फीडर लीडर उसको निवाल करने का काम कार्यक्रम रहा था। एक कार्यक्रम को प्रेसिडेंट साहब नए आने की वजह से, वर्किंग प्रेसिडेंट भी नए आने की वजह से, अभी अपना जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड अमरजीत कौर को हम निवेदन करता हूँ वो फ्लैग को हाइस्ट करके मीटिंग चालू करना वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जय टूसी जिंदाबाद। I'm gonna hit it.